हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हमारी जर्नी के 33rd डे के ऊपर हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आज हम बात करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मेरा फेवरेट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की एक तरीके से शुरुआत हो जाती है। हालांकि जब इस चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाता हूं तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से लाइट के नेचर को डिसाइड करने में आज तक हमें दिक्कतें हो रही है और किस तरीके से इसको डिसाइड करने के चक्रों में फिजिक्स की जो शक्ल है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुकी है इस पर्टिकुलर 20th सेंचुरी के अंदर। अभी तो 21st चल रही है, बट 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारी उठापटक हुई थी। लेकिन हम जब नीट को अपने दिमाग के अंदर रख के इस चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कारण इससे खुद से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में आपके जो आगे के चैप्टर हैं यानी कि एटम्स जैसे आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर भी जो फंडामेंटल बेस जो क्रिएट करने का काम करेगा वो आपका ये चैप्टर करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप फोटोन्स के बारे में पढ़ोगे, फोटोन थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आज की हमारी ये वीडियो। तो सबसे पहले ये जो कंसेप्ट मैप होगा इसकी शुरुआत होगी एक एक्सपेरिमेंट के साथ जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये कैथोड रे ट्यूब कहलाया करती थी उस जमाने के अंदर। इसके अंदर एक मेटल प्लेट होती थी जो कि फोटो सेंसिटिव मेटल हुआ करता था। फोटो सेंसिटिव का मतलब है कि आप जब इसके ऊपर लाइट या यूवी रेज डालते हो तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लूजली बाउंड होने की वजह से वो सरफेस से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हमने एक फोटो सेंसिटिव मेटल की बनी हुई प्लेट एज अ कैथोड यूज करी है और एक और किसी मेटल की बनी हुई प्लेट एज एनोड यूज करी है। हमने इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है और इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हमने एमीटर जो है वो लगा दिया है। यहाँ पर हमारा एक सोर्स है लाइट का, और इस सोर्स से हम दो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं लाइट की। एक तो हम लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेंसिटी को आप सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो सोर्स की पावर से। जितनी ज़्यादा पावर का सोर्स होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट जो है उससे बाहर आएगी। और दूसरी चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को आप रिलेट कर सकते हो लाइट के कलर से एक तरीके से, राइट। जैसे रेड कलर की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है और वायलेट कलर जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो हम दो चीजें यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, और हम डेलिबरेटली इन दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि हम इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा। तो हमारी स्कीम ऑफ एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसी रहेगी कि यहां से हम लाइट डालेंगे फोटो सेंसिटिव मटीरियल के ऊपर, यहां इस लाइट से जो एनर्जी मिलेगी उसको पाके इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर। अब इलेक्ट्रॉन के पास में अगर बहुत सारी एनर्जी होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन बाहर आके कहां तक पहुंच जाएगा, एनोड तक, और करंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट एनर्जी नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो आएंगे ना बेचारे गरीब जिनके पास सफिशियंट एनर्जी नहीं होगी, बाहर तो आ जाएंगे बट बाहर आके उनको नहीं पता कि दुनिया में करना क्या है। तो उस कंडीशन में आपने जो नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर अप्लाई किया है और पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर अप्लाई किया है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने का काम करेगा। तो धीरे 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 सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी बाहर निकल रहे हैं वो एनोड तक पहुंचने लग जाएंगे, आपकी करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगी। वहीं हम इस बैटरी को जब पलट देंगे पोलैरिटी, वो हम जानबूझ के करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पैसे के साथ बाहर निकले हैं, जो अपने आप ही भाग रहे हैं एनोड की तरफ, देखिए उनको रोकने के लिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि रिटार्डिंग पोटेंशियल की तरह वर्क करेगा अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देंगे। तो हम ये दो तीन चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं। हम इसकी इंटेंसिटी वेरी करके देखना चाहते हैं कि करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी वेरी करके देखना चाहते हैं कि करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, या फिर इस पोटेंशियल की पोलैरिटी चेंज करके देखना चाहते हैं कि जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है उसका क्या इंपैक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, राइट। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और इसके अंदर सबसे पहले हमने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी जो है वो समझने की कोशिश करी। हम जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो इसमें हमने देखा कि यार जब हम इनफैक्ट जीरो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं यहां से, यानी कि हमने कोई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा, फिर भी हमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट मिल गया। मैंने बताई दिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बहुत ही जोशीले होते हैं, अपने आप कैथोड से निकल के कहां पहुंच जाते हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं। बाकी जो नहीं पहुंच पाते, धीरे धीरे आप इस पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं और आपका करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है।
फिर आप क्या करते हो, उल्टा एक्सपेरिमेंट करते हो कि अच्छा बेटा जीरो पोटेंशियल के ऊपर तुम इलेक्ट्रॉन कैथोड से चोरी छुपे एनोड तक पहुंच रहे हो, लो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, अब कैसे जाओगे। तो धीरे धीरे बेचारे जो पहुंच रहे थे उनकी भी एनर्जी जो है आपने खत्म करना चालू कर दी, और एक पोटेंशियल जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है, एक ऐसी वैल्यू इस पर्टिकुलर रिटार्डिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में पोटेंशियल की, जिसपे आपके इवन वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, जस्ट एनोड से पहले जाके क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाती है, जीरो। अब सरप्राइजिंगली जब आप सेम एक्सपेरिमेंट को इंटेंसिटी बढ़ा के लाइट की रिपीट करते हो तो आप देखते हो कि जो सेचुरेशन करंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है सेचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एज वी हैव ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप और बढ़ाओगे तो और सेचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, बट स्टिल देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इन दोनों बातों को नोट करके रख लेते हैं। इनफैक्ट पहली वाली जो बात है उसको अपन स्पेसिफिकली इस ग्राफ के अंदर भी शो करते हैं। यहाँ पे हमने सेचुरेशन करंट लिया है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिया, तो हमने देखा था कि करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो उसी रेशियो के अंदर आपकी करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। दो चीज़ें हमने नोट कर ली इस एक्सपेरिमेंट से, कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर सेचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज होता है, एंड देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको इंटरप्रेट करेंगे हम थोड़ी देर बाद में, बट अभी तक हमने ये दो कंक्लूजन रख लिए दिमाग में। फिर अपन इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन हमने करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया। नॉर्मल ग्राफ तो मैंने बताया था, एक पोटेंशियल पर आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता नेगेटिव डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल। इवन जीरो पोटेंशियल होता है फिर भी कुछ पहुंचते हैं, और जो नहीं पहुंचते उनको आप पहुंचा देते हो, सैचुरेशन करंट आ जाता है। अब जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे तो आप देखोगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट, बट विथ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी यू विल ऑब्जर्व दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। यानी कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा के सेम एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फर्दर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तभी तो उनको स्टॉप करने के लिए आपको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। और बढ़ाओगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इनफैक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल के बढ़ने वाले फैक्ट को आप अलग से ग्राफ के अंदर शो कर सकते हो। यहाँ पे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया है, यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी ली है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आना चाहिए। आपने ग्राफ वाले सेक्शन में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैच ये है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है हर मेटल के लिए, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के ऊपर आप देखोगे कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हो, वॉट एवर बी द इंटेंसिटी ऑफ इट, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसका मतलब है भाई साहब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहे। तो यहां से आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बिल्कुल सर्टेन फ्रीक्वेंसी या उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लाइट पर ही हमें दिखाई देता है, उससे कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें नहीं दिखाई देता। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रैश होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों ऐसा हुआ वी डोंट नो, बट वी हैव ऑब्जर्व इट एंड वी हैव स्टेटेड एज वी हैव ऑब्जर्व इट, राइट। तो खैर दो बातें हमारी यहां से आ गई, दो बातें यहां पर आ गई। हम इन दोनों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जनरल फैक्ट्स की फॉर्म में ध्यान में रख लेंगे। अब आगे चलते हैं, पूरी की पूरी लड़ाई मैं आपको समराइज करवा देता हूं। वेव थ्योरी से जब इन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई तो आपने देखा कि बिल्कुल उल्टा एक्सप्लेनेशन आ रहा था। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी यानी कि उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ की किक लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जितना स्ट्रेंथ की किक लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मेटल की सरफेस से बाहर आएगा, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर आएगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जबकि हमने देखा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। साथ ही साथ में आप किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट डालो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर किक तो लग ही रही है,
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर किक लग रही है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेके विथ सम टाइम लैग मेटल की सरफेस से अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा और आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलना चाहिए इवन एट लोअर फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो। बट आपने देखा था कि यार एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट देखा था ना। तो ये बात भी हमारी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पड़ गई, उल्टी पड़ गई, टाइम लैग वाली बात भी उल्टी पड़ गई। तो ऐसे तीन चार कंक्लूजन थे जिनकी वजह से हमें वेव थ्योरी को ड्रॉप करना पड़ा कि भाई साहब तेरी बस की बात नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना, और हमें फिर वापस से मूव करना पड़ा हमारी फोटोन थ्योरी के ऊपर। बाबा आइंस्टीन ने दी थी ये, इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। लोगों को लगता है कि उनको रिलेटिविटी के प्रिंसिपल के लिए मिला होगा, बट नहीं, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था वो आपको अभी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। उन्होंने बोला था कि जो फोटोन है मतलब रेडिएशन की जो एनर्जी है उसका क्वांटा कह सकते हो, क्वांटा का मतलब है कि जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी हर वैल्यू वाली नहीं हो सकती, एक निश्चित वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगी, एक निश्चित वैल्यू के पैकेट्स की फॉर्म में होगी। उस पैकेट को ही क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। तो एक तरीके से पार्टिकल ऑफ एनर्जी हो गया, पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। ये चार्जलेस होता है, मासलेस होता है, बट इसके पास में मोमेंटम और एनर्जी दोनों होती है। इसकी जो एनर्जी होती है वो एच टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। वेवलेंथ की फॉर्म में लिखोगे तो एच टाइम इसकी स्पीड जो कि लाइट की स्पीड के इक्वल होती है डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल होगी। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप एच सी की जगह 1240 नैनोमीटर टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर सकते हो, और लैम्डा अक्सर तुम्हें नैनोमीटर के अंदर दी जाती है, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर चला जाएगा और आप आसानी से एनर्जी की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी 6.62 × 10⁻³⁴ होती है आई गेस, सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ होती है। पेपर के अंदर आपको मिलेगी सारी की सारी वैल्यूज, बट हम जाएं क्यों उस तरफ, हमारे पास में है ऑप्शन, हम 1240 नैनोमीटर टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर इसमें कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको इस रास्ते को अपनाना चाहिए, राइट। इसका जो मोमेंटम होगा, मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका मोमेंटम एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड के इक्वल होता है। एनर्जी को आप एच न्यू भी लिख सकते हो, तो एच न्यू डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, या फिर जो न्यू है उसकी जगह आप सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, सी से सी कट जाएगा तो एच अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। अब क्या होगा कि जब एक फोटोन इस फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर आएगा, तो इस फोटो सेंसिटिव मेटल का इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कंप्लीटली। देखो फोटोन थ्योरी के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आधा फोटोन या 3/4 फोटोन या 1/4 फोटोन इस तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा फोटोन या तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा या पूरा का पूरा आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन कंप्लीटली एंड जस्ट कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस, और ये पूरा का पूरा चमत्कार हो रहा है एट फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, तो आप देख रहे हो कि यार कुछ एनर्जी यानी कि एच टाइम्स न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन को इसलिए चाहिए कि वो जस्ट मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। बाहर आने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी अभी जीरो है। तो इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी मेटल। तो वर्क फंक्शन पक्का किससे रिलेटेड होगा, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगा। एच टाइम्स न्यू नॉट ही किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो न्यू नॉट हो जाएगा आपका फाई अपॉन एच, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि हमें चाहिए अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी, उससे ज्यादा की वेवलेंथ से फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला जाता है। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ एट विच वी ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी वैल्यू एच सी अपॉन फाइव की इक्वल हो जाएगी। मैंने बताया था एच सी की जगह आप 1240 nm.eV नैनोमीटर टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज कर सकते हो, क्योंकि अक्सर इन क्वेश्चंस के अंदर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दी जाती है। तो ये काम तो तब होगा जब आपका फोटोन कितनी फ्रीक्वेंसी वाला हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला हो, तब तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से जस्ट बाहर आएगा। अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन ले लिया, इसका मतलब है आपने वर्क फंक्शन तो दे दिया इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन बची हुई एनर्जी का क्या करे, तो जो सीधे साधे बेचारे इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेंगे। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट लगाना पड़ रहा है, तो ई वी नॉट भी लिख सकते हो आप, वो किसके इक्वल होगी कि आपने एनर्जी दी है एच न्यू और उसने खर्च कर दी मेटल की सरफेस से बाहर आने के लिए एच न्यू नॉट यानी कि फाइव।
तो आप इस इक्वेशन को रट भी सकते हो, अदरवाइज ये पूरा सिंपल लेना देना वाला काम है। अकाउंट बैलेंस करना है आपको केवल, और कितनी मिली, कितनी खर्च करी और कितनी बच गई। इसको आप अदर फॉर्म में लिखोगे लैम्डा की फॉर्म में, तो के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी, बाहर आ जाएगा कॉमन आके 1/λ-1/λ0। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इनफैक्ट आपको इस इक्वेशन को याद भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे तरीके से पढ़ रहे हो तो। इसको इंटेंसिटी जो होगी, हमें क्या दिया जाता है, कई बार कोई सोर्स दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इससे एन, ये जो स्मॉल एन है ना, ये है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक तरीके से फोटोन की फ्रिक्वेंसी है, तो वो हमें दे दी जाती है। हर फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, तो टोटल एनर्जी कितनी एमिट हो रही है 1 सेकेंड के अंदर, एन टाइम्स एच न्यू, और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ही किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी के इक्वल होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं ये चीज, राइट। तो एन ऑलरेडी पर सेकेंड है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, इसको आपने एक फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेसिकली हो जाएगा टोटल एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगी, इंटेंसिटी आई के इक्वल हो जाएगी। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एन फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाय अ सोर्स ऑफ पावर पी, वॉट के अंदर आपको दे दी जाती है पावर, तो आप बोलोगे कि ये जो एन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय एच न्यू। टोटल पावर का मतलब है, पावर का मतलब होता है कितनी एनर्जी 1 सेकंड के अंदर एमिट कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर एन टाइम्स एच न्यू कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन एच न्यू, या फिर इसको लैम्डा और सी की फॉर्म में लिख सकते हो, पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी, एच सी की जगह आप 1240 नैनोमीटर टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो है वो आपके क्वेश्चंस के अंदर काम आ सकते हैं, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग है तो आपको इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एन फोटॉन्स पर सेकंड एक सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं, तो मैंने बताया था ना फोटॉन्स के पास में मोमेंटम होता है, और हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जो फोर्स होगा वो ट्वाइस ऑफ पी डिवाइडेड बाय सी होगा, यहां पर पी जो है वो पावर ऑफ सोर्स है ना, और प्रेशर जो होगा वो ट्वाइस ऑफ आई डिवाइडेड बाय सी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पी जो हो गया वो पावर हो गया, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर अपन लेंगे तो फोर्स बन जाएगा प्रेशर, तो आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख लो, फोर्स हो जाएगा 2P/C और प्रेशर हो जाएगा 2I/C, जबकि अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो फोर्स हो जाएगा P/C और प्रेशर रह जाएगा I/C। सो आई होप आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखा होगा, और यहाँ पर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आपके पास वापस से मौका है इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करने का, रिविजिट करने का, राइट। फिर जब हमें पता चल गया कि यार लाइट जो है वो पार्टिकल्स की तरह, फोटोन्स की तरह बिहेव कर सकती है, तो एक साइंटिस्ट थे डे ब्रॉय उनका नाम था, उन्होंने बोला कि इसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है। आपके पार्टिकल आज तक जिन्हें आप पार्टिकल समझते आए हो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन वगैरह, उनके कॉरस्पॉन्डिंग भी वेव नेचर एसोसिएट किया जा सकता है। तो उन्होंने जस्ट एक हाइपोथेसिस दिया था कि अगर ऐसा होता है तो उनकी जो वेवलेंथ होगी वो एच अपॉन उनके मोमेंटम के इक्वल होगी। यहाँ पर पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम को आप एम इंटू वी भी लिख सकते हो, या फिर एच अपॉन √2mE भी लिख सकते हो। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिखते थे अपन, √2m काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आई है चार्ज पार्टिकल के पास, ये दो अलग अलग तरीके से आ सकती है, सॉरी चार्ज पार्टिकल के पास में तो आ सकती है ये किस तरीके से, कि आपने उस चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल वी से क्या करने की कोशिश करी है, एक्सेलरेट करने की कोशिश करी है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ई की जगह आप क्यू इंटू वी रख दोगे। और अगर आपका न्यूट्रल पार्टिकल है तो ऑब्वियसली उसको आपने हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा होगा, तभी जाके उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। जब आप ई की जगह 3/2 kT रखोगे तो आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय √3mkT। ध्यान रखना चार्ज पार्टिकल के लिए अक्सर इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए अक्सर इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए इनफैक्ट आप स्पेसिफिक वैल्यू तक ध्यान रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी अगर उसको वी वोल्ट से एक्सेलरेट किया जा रहा है तो 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √V के इक्वल होगी। डायरेक्ट आंसर आपका एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगा, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर उसको अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। सो दिस इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन विच यू रिक्वायर टू सॉल्व द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। और मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, इनफैक्ट इस स्क्रीन के अंदर मैं रह जाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ यार ये बंदा हमें पढ़ाया करता था मोस्ट वॉन्टेड के अंदर। तो मेरी भी फोटो ले लो इस स्क्रीन के साथ, खाली स्पेस का फायदा उठा लेते हैं, और इस पेज के अंदर से मैं हट जाता हूँ, सॉरी।
इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपकी मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए इसके क्वेश्चंस करने के लिए। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ यार वाकई सर की दी हुई मिनिमम इंफॉर्मेशन यानी कि सर के दिए हुए पावरफुल वेपन्स के आधार पर हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट विद मैक्सिमम वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो विजिबल लाइट है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, 700 नैनोमीटर, राइट? तो मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे लाइट की होगी कितनी? 700 नैनोमीटर। अब हमें इसकी फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन आसान करने के लिए तुम एच सी की वैल्यू रख सकते हो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स नैनोमीटर, ठीक है? और लेमडा फिर तुम डायरेक्ट नैनोमीटर के अंदर रखोगे तो कितनी रख दी आपने? 700 नैनोमीटर। तो जो आंसर आएगा एनर्जी का वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। तो कैलकुलेशन का बहुत सारा हिसाब किताब जो है वो हमारा बच जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 70 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, फिर बचेंगे 5, 54, लगभग 1.8 आपका आंसर आएगा। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 1.6, ठीक है? तो कैलकुलेशन के अंदर हम बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो आप आसानी से इस तरीके से आंसर जो है वो पहचान सकते हो, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाती है थ्रेश होल्ड वेवलेंथ या थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी की बात करते हो तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। और थ्रेश होल्ड वेवलेंथ के बारे में बात करते हो तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, यानी कि उससे कम वेवलेंथ की आपको लाइट चाहिए होती है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ सबसे ज्यादा कौन सी वेवलेंथ इसके ऊपर डाली जाए, यानी कि हमें थ्रेश होल्ड वेवलेंथ पूछी जा रही है। तो हमने देखा था कि यार जो वर्क फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? बेसिकली एच टाइम्स थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट के इक्वल होता है, या एच टाइम्स सी डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट के इक्वल होता है। तो हमें लेमडा नॉट पूछा गया है, तो लेमडा नॉट की वैल्यू हो जाएगी एच सी डिवाइडेड बाय 5। एच सी की वैल्यू कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ठीक है? और 5 की जो वैल्यू है वो आपको आई होप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही दे रखी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला जाएगा, आपका आंसर डायरेक्ट नैनोमीटर के अंदर आएगा। कितना आएगा? 310 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आना निश्चित है, क्वेश्चन आसान लगना चाहिए आपको क्योंकि आपके पास में सारे पीसेस एक साथ प्रेजेंटेड हैं और आपको उनको जस्ट केवल और केवल कनेक्ट करना है और यही सीखना है आपको क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इन एलिमेंट ए, इट्स वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ इज लेमडा, एंड अनदर एलिमेंट बी इज हैविंग वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन बी। यानी कि बी के लिए जो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अभी अभी आपने देखा था कि वर्क फंक्शन जो होता है वो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आप लिखोगे 5 2 डिवाइडेड बाय 5 1, तो ये कैसे दिखाई देगा आपको? लेमडा नॉट फॉर फर्स्ट मटीरियल एंड लेमडा नॉट फॉर सेकेंड मटीरियल। तो लेमडा नॉट फॉर सेकेंड मटीरियल जो होगा हो जाएगा लेमडा नॉट फॉर फर्स्ट मटीरियल टाइम्स 5 1 डिवाइडेड बाय 5 2। तो पहले वाले मटेरियल के लिए जो आपको थ्रेश होल्ड वेवलेंथ दे रखी है वो लेमडा दे रखी है, पहले वाले मटेरियल के लिए जो आपको वर्क फंक्शन दे रखा है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और दूसरे वाले मटेरियल के लिए जो वर्क फंक्शन दे रखा है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। 2.5 से 5 चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा लेमडा बाय 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? आसान है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें पता है ये ही किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है. इससे ये चला जाएगा तो डायरेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका 4 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, बट हम तो जिद करके बैठे हैं कि भाई साहब हम तो कंफ्यूज नहीं होंगे. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल इज 200 नैनोमीटर. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर विल बी. तो मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत सारी इक्वेशन ध्यान नहीं रखनी, आपको केवल और केवल एक हिसाब किताब जो है वो मेंटेन करना है. कैसे कि आप जो एनर्जी दे रहे हो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम ए मेटल इज 200 नैनोमीटर. तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर. तो आपने जो 100 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ डाली है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी एच सी डिवाइडेड बाय 100 नैनोमीटर. ये तो आपने दी है, इसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करनी ही करनी पड़ेगी, और वर्क फंक्शन होता है एच सी डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो आपको दे रखी है 200 नैनोमीटर. और ये आपने दी, ये उसने खर्च कर दी, तो जो बाकी बच गई उसको वो किसकी फॉर्म में यूज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो सकती है उसकी उसके फॉर्म में यूज कर सकता है. तो चीजें हमारे सामने आ गई, उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हम एच सी को बाहर निकाल लेंगे, ये 1/100 - 1/200 करेंगे, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एच सी टाइम्स 200 - 100 करेंगे तो बचेगा 100 / 100 टाइम्स 200 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई. मैंने बताया था क्योंकि नीचे वाले सामान आपने नैनोमीटर के अंदर रखे हैं, तो एच सी आप डायरेक्ट कितना रख सकते हो, 1240. आंसर आपका डायरेक्ट किसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इनटू 100 / 100 टाइम्स 200. 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, इसको आप करोगे तो 62, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. तो आपको हिसाब किताब मेंटेन करना, एकमात्र जो इक्वेशन है उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेल. If the distance becomes d by 2, then number of electrons emitted per second will be. तो हमने पहले भी पढ़ा था और एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लाइट के सोर्स से जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया. तो एरिया के अंदर रेडियस का स्क्वायर आता है ना, तो अगर आप पॉइंट सोर्स से निकलने वाली इंटेंसिटी की बात करते हो, और जब तक कहा नहीं जाए जब तक पॉइंट सोर्स ही मानना है, तो वो हमेशा रेडियस के स्क्वायर के यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो आपकी इंटेंसिटी कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी. डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दोगे तो हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, तो इंटेंसिटी कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी. और अगर इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इसको कई बार एम्प्लॉय कर दिया जाता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े थे. राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी. तो मैंने बताया था कि अगर आप मैटर वेव्स की बात करते हो तो डी ब्रॉयस वेवलेंथ जो होती है वो एच अपॉन पी के इक्वल होती है. पी को हम लिख लेते हैं एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी ई,
और काइनेटिक एनर्जी उसको नॉर्मली एक्सेलरेट करके दी जाती है, तो 2m टाइम्स चार्ज टाइम्स एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो h तो सबके लिए कांस्टेंट है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी इन्होंने कह दिया क्वेश्चन के अंदर सेम है, तो लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मास के और चार्ज के, यानी कि लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। मास ऑफ ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का जो मास होता है ना वो किसके इक्वल हो जाता है, ट्वाइस ऑफ एम बी, क्योंकि ड्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन और आ जाता है भाई, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, तो उसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, जबकि चार्ज इसका अगेन सिंगल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ई से ई चला गया, एम पी से एम पी चला गया, तो लैम्डा डी डिवाइडेड बाय लैम्डा पी जो है वो 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। देखो पहले भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में चेतावनी दे चुका हूं और हर अलग अलग रेफरेंस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और तीन पार्टिकल नॉर्मली उसके अंदर दिए जाते हैं, एक तो होता है प्रोटोन, एक होता है ड्यूट्रॉन और एक होता है एल्फा पार्टिकल। इसका अगर आप मास लोगे तो इसका मास एक प्रोटोन के बराबर होगा, इसका मास दो प्रोटोन के बराबर होगा और इसका मास चार प्रोटॉन के बराबर होता है। और अगर आप चार्ज की बात करते हो, ठीक है, तो इसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और इसका दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ऐसे क्वेश्चन करने के अंदर मदद करेगी, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी एट विच द पोटेंशियल्स आर 20 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द डी ब्रॉयज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एट बी विल बी। तो ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपका, 40 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, और आंसर आएगा किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, तो वी की वैल्यू कितनी है आपकी 20, ठीक है। तो जब आप 12.27 को रूट 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, रूट 20 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, रूट रूट 20 का मतलब हो जाएगा आई गेस 4 point something, ठीक है, अगर रूट 20 की बात करते हो तो 4 और 5 के बीच में होगा इसका रूट, तो ये जो नंबर आएगा वो 4 point something निकल के आएगा और उसको आप 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका आंसर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के आसपास आना चाहिए, और 3 के आसपास जो आपको आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन 3 और 4 सेम हो गए, जो भी है एक करेक्ट होगा इनमें से, 2.75 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाना चाहिए। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखना, राइट, 12.27 को रूट 20 से डिवाइड करके देखना, थोड़ा बहुत आपको मशक्कत लगेगी बट आप कर सकते हो, और मेरी तरह अगर अप्रोक्सीमेशन लगाते हो तो मैंने देखा रूट 20 का जो वैल्यू है वो 4 point something होगा, 4 point something, 12 को अगर 4 point something से डिवाइड करते हो तो 3 या 3 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए, और हमें 3 के आसपास रिजल्ट दिखाई दे रहा है 2.75 एंगस्ट्रॉम। ये ऑप्शन गलती से सेम हो गया, इसके अंदर कोई और ऑप्शन होगा, राइट, तो अपनों को 2.75 लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, When photons of energy h nu fall on an aluminium plate of work function E naught, photoelectrons on of maximum energy k are ejected. तो maximum kinetic energy जो होती है, आपको energy दी गई है h nu और आपने खर्च कितनी कर दी E naught. फिर second case में क्या हुआ? Aluminium plate तो same है. If the frequency of radiation is doubled, तो अब आपने frequency को क्या कर दिया? Double कर दिया. और क्योंकि material same है, तो वर्क फंक्शन तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो तो चेंज होगा नहीं। इसको आप चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, h न्यू प्लस h न्यू माइनस e नॉट, और ये जो शक्ल है ये किससे मिलती है आपके, k से मिलती है, तो k डैश की वैल्यू हो जाएगी h न्यू प्लस k, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए।
आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल सिंबल्स यूज किए गए हैं जो कि आपको डराते हैं, आपको डरना है नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ 5 वॉट सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड 0.5 मीटर्स अवे इट लिबरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस। When the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be. तो अगेन यहां पर डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो डिस्टेंस को अगर डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी कितने गुना कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। और अगर इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी तो आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी 4 गुना कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है विदाउट कैलकुलेशन आप अप्लाई कर सकते हो, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6×10^14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। द पावर एमिटेड इज 2×10^-3 वॉट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ऑन द एवरेज बाय द सोर्स पर सेकेंड इज। तो पावर का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड। तो एनर्जी पर सेकेंड, तो ये एनर्जी आ कहाँ रही है, नंबर ऑफ फोटोन से आ रही होगी। तो मान लो एन फोटोन्स पर सेकेंड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच टाइम्स न्यू। तो आप डायरेक्ट इसको किसके इक्वल रख सकते हो, एन टाइम्स एच टाइम्स न्यू के इक्वल रख सकते हो। एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, एन फोटोन्स की एनर्जी इतनी होगी, पर सेकेंड पूछा गया है वही हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी पर सेकेंड है। तो वो पर सेकेंड वाला फैक्टर जो है वो बैलेंस आउट हो गया, राइट। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2×10^-3, h की वैल्यू 6.6, 2×10^-34, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6×10^14। अब देखो, हालांकि थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड नजर आ रही है, बट हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। -34 है, +14 है, तो बचेगा कितना, -20। इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 20, प्लस के 20 में से -3 माइनस करेंगे तो प्लस का 17। तो 2/6.62 है, इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12, पावर चली जाएगी 1, 36 और 1 7, पावर चली जाएगी 3, एंड 36 और 3 दैट इज 39, ठीक है, इतना हो जाएगा। (10^17) ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। अभी जो 39.72 है ना, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 2/40×10^17, ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 2/40 का मतलब है 0.05 भाई, एक जीरो लगाओगे पॉइंट उसका लग गया, फिर दूसरा जीरो लगाओगे तो जीरो लग गया, और फिर जाके 5 टाइम डिवाइड होगा, (10^17). इसको आप लिख सकते हो 5/100×10^17, यानी कि 5×10^15। तो आई होप सारे आंसर्स जो है वो इस तरीके के दे रखे हैं कि आपकी कैलकुलेशन चेक करी जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, एक बार आप कैलकुलेशन जरूर वेरीफाई करना, राइट, कि कोई गलती तो नहीं, क्योंकि आंसर सारे के सारे बिल्कुल क्लोज है। ये आंसर मतलब दिया ही इसीलिए गया है कि आप कैलकुलेशन करना एक्यूरेटली कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर। द पावर एमिटेड इज 9 mW, ठीक है, ये वॉट के अंदर है। The number of photons arriving per second on the average at the target radiated by this beam is. तो अगेन पावर हमें दे रखी है कितनी, 9×10^-3 मिली का मतलब 10^-3 होता है। नंबर ऑफ फोटोन्स अपन n मान लेते हैं, अब के बारे में फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी, वेवलेंथ दे रखी है, तो ये हो जाएगा hc/λ। तो n की वैल्यू आ जाएगी 9×10^-3। लेमडा हमें कितनी दे रखी है, 667 नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9। H 6.62 × 10^-34,
और सी मतलब 3 × 10⁸। अब देखो इसमें भी अपन थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट हटेगा यहाँ से और ऊपर चला जाएगा 100। फिर 662 और 667 लगभग क्लोज है, तो अपन इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 × अब देखना पावर, ये -3 है, ये -9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 12, ये प्लस का 2 है, यानी कि टोटल हो जाएगा माइनस का 10। नीचे देखोगे तो -34 को ऊपर ले जाओगे, तो ऊपर -10 था, +34 हो गया, तो बचेगा +24। और फिर 8 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 24 में से 8 अगर चले जाएंगे तो बचेगा 10⁻¹। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से मैनेज कर लेना इसको। -34 है, ये 8 है, पहले इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। उसको आप ऊपर भेज दो, प्लस का 26 हो जाएगा, प्लस के 2 और बैठे हैं तो प्लस का 28 हो जाएगा, और ये 9 और 3 मिलके 12 हो जाएंगे। तो 28 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। इसलिए 3 × 10⁻¹ जो है वो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट एंड द फोटोन्स दस इमिटेड रेडिएट अ फोटोन सेंसिटिव मटीरियल, फोटो सेंसिटिव मटीरियल। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मटीरियल इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करता है, और वो एनर्जी कैसे निकालते हैं अपन, वो निकालते हैं अपन 13.6, वैसे अपनों को फॉर्मूला भी दे रखा है, 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो हायर लेवल के अंदर जो एनर्जी है वो ले लो, लोअर लेवल के अंदर जो एनर्जी है वो ले लो और माइनस कर दो, तो आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी पता पड़ जाएगा। बट हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, 1/(n₁²) - 1/(n₂²), वो उसी से आया है। n₁ का मतलब है छोटा वाला ऑर्बिट और n₂ का मतलब है बड़ा वाला ऑर्बिट। ठीक है, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, तो आ जाए। और आंसर ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। तो 13.6 कहाँ से कहाँ आ रहा है, 3 से 1 में, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1/(1²), यहाँ पे आ जाएगा 1/(3²), तो ये 1/9 हो जाएगा, 13.6 × तो 1 - 1/9 करेंगे तो ये आ जाएगा 8/9। तो लगभग आप 9 से कैंसिल आउट कर सकते हो, कितनी बार चला जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स करोगे 46, 46 को 45 मान लो तो 1.5 टाइम्स चला जाएगा, और 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0.4, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो एनर्जी का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इतनी एनर्जी जो है वो आपने दी है फोटो सेंसिटिव मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपने दी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसने खर्च कर दी कितनी, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज वर्क फंक्शन। तो अप्रोक्सीमेटली 12 में से 5 जाएगा तो कितनी बच जाएगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही किसके इक्वल होती है, ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है। ई से ई चला गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आना चाहिए आपका, 7 वोल्ट आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है, बट जो स्टेप्स है वो सेम रहेंगे कि कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करोगे, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी खर्च कर दोगे, जो बचेगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उसको रोकने के लिए आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाओगे। पूरी की पूरी जो कहानी है वो आपको मैंने सुनाई थी, वो आप बार बार अप्लाई कर सकते हो, राइट, आपको इक्वेशंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास एम एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, ठीक है, एंड न्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको एंड द न्यूक्लियस रिकॉयल्स, ऑब्वियसली द रिकॉयल एनर्जी विल बी। तो जैसे सपोज करो ये कभी आपका एम मास का कोई न्यूक्लियस रहा होगा, ठीक है, अचानक से यहां से कौन निकल जाता है, एक फोटोन निकल जाता है।
अब फोटोन के पास में कोई मास नहीं होता, बट उसके पास मोमेंटम होता है। तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, हम उसकी एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं, और उसकी एनर्जी होती है एच न्यू डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पे दोबारा पढ़ रहे हैं कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड के इक्वल होता है, और एनर्जी एच न्यू होती है, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी, इतनी मोमेंटम के साथ आपका निकलता है। वही हमने पहले भी रिकॉयल वाले एग्जाम्पल करे हैं कि अगर गोली इधर जा रही है तो बंदूक पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसका मोमेंटम अपन मान लेते हैं दैट इज पी, क्योंकि नेट मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। पहले नेट मोमेंटम था जीरो, अभी इन दोनों का सम जो है वो कंजर्व रहना चाहिए, तो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मानेंगे, तो एच न्यू डिवाइडेड बाय सी ये पॉजिटिव हो गया, माइनस पी ये भी कितना रहना चाहिए, जीरो, यानी कि जो रिकॉयल मोमेंटम है वो कितना आ जाना चाहिए, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी। अब आई होप सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो प्लीज आपने 11th की फिजिक्स को भूलना चालू कर दिया है, दोबारा से वीडियोस देखना चालू करो। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिखा जा सकता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, पी की वैल्यू रखते हैं एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m पहले से रखा हुआ था सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर टू यहां पे टू और आना चाहिए, राइट, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर टू जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, इसको करेक्ट कर लो ऑप्शन को, राइट, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एन टू द ग्राउंड स्टेट, द वेवलेंथ सो एमिटेड इल्यूमिनेट्स अ फोटो सेंसिटिव मटीरियल हैविंग वर्क फंक्शन दिस, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज दिस देन द वैल्यू ऑफ एन इज। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था कि जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एमिट करी जाएगी, जो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर रहा है, हो जाएगी 13.6 वन अपॉन छोटे वाला ऑर्बिट, तो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है यानी कि वन स्क्वायर, बड़े वाला ऑर्बिट यानी कि एन स्क्वायर, इतनी एनर्जी आपने आपके इलेक्ट्रॉन ने एमिट करी, और वो रेडिएशन की फॉर्म में किसी फोटो सेंसिटिव मटीरियल के ऊपर गिर रही है। तो ये एक तरीके से फोटो सेंसिटिव मटीरियल के इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी होगी। अब इसमें से कितनी खर्च कर देगा ये 2.75, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यानी कि 10 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वो कहां से आई है कि हमने तो दी थी 13.6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, मैंने सॉल्व कर लिया इसको, और इसमें से कितनी एनर्जी खर्च कर दी गई है, 2.75 इतनी एनर्जी खर्च कर दी गई। तो अपन इसको एक तरफ ले जाते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो 13.6 में से हम 2.75 को माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा 5, यहां पे बचेंगे, ठीक है, 5 बच गया, इधर बचेगा 5, तो 15 में से 7 चला जाएगा 8, इधर आ जाएगा आपका 2 में से 2 चला गया 0 1, तो 10.85 बचेगा। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 10.85 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इसको इधर 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, 10.85 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 0.85 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 13.6 डिवाइडेड बाय 0.85 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा और 10 रह जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1360 डिवाइडेड बाय 85। सबसे पहले 5 से कैंसिल आउट करके देखो, तो ये दो बार गया बचेंगे 3, 36, मतलब 7 बार गया बचेंगे 8, दैट इज 272 डिवाइडेड बाय चला जाएगा कितनी बार आएगा, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 1,
17। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 17 से 27 को डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, फिर बचेंगे कितने 10 और 102, तो ये चला जाएगा आपका लगभग 27 गया, 10 बचे 102, तो 272 जो है वो एग्जैक्टली ठीक है, तो 272 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली कितने टाइम्स चला जाएगा 1, फिर बचेंगे 102, 16 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए आपकी, 4 आ जानी चाहिए। तो n जो है ठीक है, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिन देन द वैल्यू ऑफ n इट विल बी इक्वल्स टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट इज 3V0। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3E V0 इज इक्वल्स टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, इतनी एनर्जी हमने दी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज दिस, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2λ, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0। तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल रह गया केवल और केवल V0, और अब की बार एनर्जी दी है आपने एच सी डिवाइडेड बाय 2λ, क्योंकि सेम मटेरियल यूज कर रहे हो, इसका मतलब है आपकी जो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है वो सेम रहेगी, तो ये रहेगी एच सी अपॉन लेमडा नॉट, और यहां पर भी रहेगी एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो बताओ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी, हम आसानी से बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो ई वी नॉट से ई वी नॉट चला जाएगा, इधर तो बचेगा 3, इधर एच सी कॉमन आउट होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2λ माइनस 1 अपॉन λ0। इस पूरे को इधर ले जाते हैं, तो 3 अपॉन 2λ माइनस 3 अपॉन λ0 इज इक्वल टू 1 अपॉन λ माइनस 1 अपॉन λ0। इसको एक तरफ, इसको एक तरफ, तो 3 अपॉन 2λ माइनस 1 अपॉन λ इज नथिंग बट 3 अपॉन λ0 माइनस 1 अपॉन λ0। तो इधर 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े। 3 में से 2 चला जाएगा 1 अपॉन 2λ, और यहाँ से 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 अपॉन λ0। तो लेमडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 टाइम्स λ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जो जो कहा गया क्वेश्चन में उसको फॉलो किया, और उसके बाद में हमारे सामने कुछ इक्वेशंस आई थी। तो आपको जैसा मर्जी हो, मतलब मैंने ये तरीका यूज़ किया, आप कोई और तरीका यूज़ कर सकते हो, बट हमें इक्वेशन सॉल्व करके लेमडा नॉट की वैल्यू लेमडा की फॉर्म में निकालनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव लेंथ लेमडा एंड लेमडा बाय 2। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड केस इज 3 times दैट इन द फर्स्ट केस, द वर्क फंक्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ द मटीरियल। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, बट डेटा थोड़ा सा अलग है। तो पहला वाला केस पकड़ेंगे, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है K, आपने कितनी एनर्जी दी है एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, और उसने कितनी खर्च कर दी वर्क फंक्शन फाइव के इक्वल खर्च कर दी। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड केस इज 3 times द फर्स्ट केस, तो 3K आपकी बार आपने जो वेवलेंथ यूज करी वो लेमडा बाय 2 यूज करिए, तो 2 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि मटीरियल सेम है तो आपका वर्क फंक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 एच सी अपॉन लेमडा माइनस 5 एंड 2 एच सी अपॉन λ माइनस 5, इसको इधर 3 को उधर, तो 2 एच सी अपॉन λ माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एच सी अपॉन λ माइनस 3 5, इसको इधर ले आते हैं 5 को उधर ले जाते हैं, या 3 5 को इधर लिया और इसको उधर ले जाते हैं, तो 3 5 को उधर लेंगे तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा माइनस, एंड इधर बचेगा 3 एच सी अपॉन λ माइनस 2 एच सी अपॉन λ। तो इधर तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 5, और इधर 3 में से 2 चले गए तो सिंपली बचेगा एच सी अपॉन लेमडा, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी एच सी डिवाइडेड बाय 2λ, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है
वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो सेम क्वेश्चन थे दोनों, बट दोनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट की गई है कि आप हो सकता है थोड़े बहुत उलझ जाओ, और सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करी गई है जो कि आपके लिए थोड़ा सा डरावना केस उत्पन्न कर देती है, मतलब आप ऑप्शन वगैरह देख के वैसे ही क्वेश्चन को छोड़ देते हो। दोनों काम हमें नहीं करने, राइट, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface. Same question है, फटाफट से अपन इसको निपटाते हैं। Stopping potential V था, यानी कि E into V किसके इक्वल हो जाएगा? Hc upon lambda minus Hc upon lambda naught. फिर आपने सेम सरफेस ली, अब की बार रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा ले लिया आपने, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घट के कितना हो गया? V by 4. तो E times V by 4 is Hc divided by 2 लैम्डा minus Hc divided by लैम्डा नॉट। तो हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है, आसानी से निकाल लेंगे इसको, इससे डिवाइड कर देंगे, ई से वी चला जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, इधर बच जाएगा Hc upon लैम्डा नॉट और Hc upon 2 lambda minus Hc upon lambda naught। फटाफट से करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 Hc upon lambda, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 Hc divided by lambda naught, इधर आ जाएगा Hc upon lambda और minus Hc upon lambda naught, तो lambda naught को उधर, इसको इधर ले आते हैं, तो ये 2 Hc है, ये Hc है, तो दोनों घट के कितने रह जाएंगे? Hc upon lambda, यहाँ पे 4 है उधर 1 है, तो 3 Hc upon lambda naught, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो lambda naught की वैल्यू आ जाएगी 3 times lambda, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अब तो बिल्कुल फिंगर्स पर होने चाहिए आपके ऐसे क्वेश्चन, राइट। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज न्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी इज शोन इन इन द फॉर्म ऑफ फिगर, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज। तो देखो, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ खींचा जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो उसकी स्लोप होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? एच अपॉन ई के इक्वल होती है, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए, और अगर ये थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो हमारे पास में पकड़ में आ गया कि यार ए बी divided by BC is nothing but H upon E. So H will be equals to E times AB divided by BC. ठीक है? E times AB divided by BC या CB कर लो। Option number A जो है वो correct हो जाना चाहिए। So these all questions are the territory of dual nature and matter waves, जो chapter हमने बहुत इफिशियंटली पढ़ने की कोशिश करी है, मतलब हमने बहुत छोटे 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 रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, उनको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करी, और वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल चैप्टर हमारे लिए अब ये बन चुका है, क्योंकि अब हमें इंतजार है कि यार इस चैप्टर में से तो क्वेश्चन आ जाने दो नीट के अंदर, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना ही आसान हो या कितना ही कठिन हो, क्योंकि द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच वी हैड इन दिस लास्ट वन आवर फॉर दिस चैप्टर इज मोर देन सफिशियंट, इज मोर देन वॉट यू हैव स्टडीड इन योर एंटायर 11th एंड 12th क्लास, ठीक है, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, आपके अंदर उस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए, और इस कॉन्फिडेंस को अगर और बढ़ाना है और इस इंक्रीज कॉन्फिडेंस को अगर चेक करना है, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के लिए अपीयर होना चाहिए, जो कि प्रेप ऑनलाइन के ऊपर अवेलेबल है, एंड इट इज वेरी मच कंपेटिबल विथ मोस्ट वॉन्टेड सीरीज। सो विथ माई बेस्ट विशेज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।